इंट्रोड्यूसिंग Redmi Note 8 Pro। तो दोस्तों Redmi Note 8 Pro का काफी सारी स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसे कि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है सैमसंग एसोसेल GW1 का सेंसर, जो कि होने वाला है 64 मेगापिक्सल का। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक के हीलियो G90T का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और आपको ट्रिपल एयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में रिलीज किया जाएगा, और क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले और डिजाइन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में एक वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल सैमसंग ISOCELL का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक की हीलियो G90T का प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है इस बार Redmi की तरफ से। वहीं बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है MIUI 10 के साथ। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो होने वाला है वो होने वाला है 14,000 से 15,000 रुपीज के करीबन बेस वेरिएंट की, जो कि होने वाला है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। और इस स्मार्टफोन का जो हायर वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 17,000 से 18,000 रुपीज के करीबन, जो कि आने वाला है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और वही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया में दिवाली से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलने वाला है इंडिया में। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।